आगरमालवा में नुपुर शर्मा समर्थक पर हमले के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रकरण में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य 5 भी आज शाम या कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। बता दें, बुधवार दोपहर उज्जैन रोड पर स्थित एक ढाबे के पास बुधवार दोपहर आरोपियों द्वारा आयुष माली नाम के व्यक्ति पर हमला किया गया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष एवं हिंदुवादी संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग थाने में इकट्ठा हो गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामले में कुल 13 आरोपियों पर जानलेवा हमला सहित कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में गृह मंत्री ने कहा कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि सब पर धारा 307 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज से वहां पर अतिक्रमण अभियान भी प्रारंभ किया जाएगा और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8 लोग उस विषय में गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 जो अज्ञात थे वो भी शाम तक गिरफ्तार, कल तक गिरफ्तार हो जाएंगे, आज शाम या कल तक। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसमें हम शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को इजाजत नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा मालवा वालों पर जिला बदर की कार्रवाई, NSA की कार्रवाई, ये सभी कार्रवाइयां भी होंगी। बहरहाल अब देखना है कि प्रशासन की सख्त कार्रवाई से बाकी अपराधियों में खौफ व्याप्त होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।